नागालैंड का रोड एक्चुअली बहुत ही खराब है, इसलिए जीपीएस में 31 किलोमीटर को 1 आवर 17 मिनट दिखा रहा है। रोड बहुत ही खराब है बॉस। अपना हालत तो खराब है, इतना राइडिंग में मुझे नहीं लगा था तकलीफ जितना ये 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर मुझे तकलीफ लग रहा है। टोटल पार्ट ऑफ बॉडी मेरा दर्द दे रहा है। किसी तरह मैं दिमापुर पहुंच के होटल में घुसना चाहता हूं और कुछ नहीं करना चाहता हूं। वाह, बाकी एक किस्म का अच्छा भी लग रहा है कि फाइनली आई हैव टच डाउन नागालैंड, और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा बात है क्योंकि ओडिशा से करंजिया से नागालैंड आना, आई एम दैट टू बाई रोड बाई बाइक, ये अपने आप में मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा। और यहाँ पे 5 बजते बजते शाम हो गया, यहाँ पे सन सेट बहुत जल्दी होता है और सनराइज भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि आज मैं जब गुवाहाटी में उठा मेरे को लगा कि 10 बज रहा है, बट देख रहे तो 5:30 बज रहा। हम लोग भी थोड़ा लेट भी स्टार्ट हुए गुवाहाटी से, अगर थोड़ा अर्ली स्टार्ट होते शायद अभी तक हम लोग दिमापुर पहुंच जाते। एनीवे ठीक ठाक ही रहा। एंड हियर दिमापुर 21 किलोमीटर। चलो भैया दिमापुर के लिए कौन सा जगह जगह? मेरा दोस्त है वहाँ पे दिमापुर में। जगह कौन सा है? सुपरमार्केट। यहाँ से 20 आप मेरा कैमरा में है, यूट्यूब में आ जाएंगे आज। 20 किलोमीटर है। ओके थैंक यू। आज मैं राइड में नहीं गया हूँ, आज रेस्ट कर रहा हूँ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, पेट गर्म हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त का घर जिला में, आ रहा हूँ अपना गाड़ी लेके, तो आज जाके उसका सब कुछ फोटोग्राफी भी करूँगा उसका फैमिली का साथ, और कल मैं निकलूँगा कोहिमा के लिए। एंड टिल देन आज थोड़ा दिमापुर घुमा जाए, हालांकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, तो till my next ride to Kohima tomorrow. Peace. Bye-bye.